दोस्तों TRS हिंदी का हाईलाइट चैनल TRS क्लिप हिंदी में आपका स्वागत है सीखिए एंजॉय कीजिए ओके okay, अभी एक रॉ सवाल है आपके लिए जो मैं बहुत देर से जानना चाहता हूँ जनरली इन लाइफ फुटबॉल की स्किल को ज्यादा इंप्रूव कैसे करें एंड बाय स्किल्स आई डोंट मीन ड्रिबलिंग आई मीन हाउ डू यू जस्ट गेट बेटर एट द स्पोर्ट अगर आप एक टीनेजर हो hmm. जो मान लो स्कूल टीम के लिए खेल रहे हैं एंड यू वांट टू देन एक फुटबॉल आप एज अ प्रोफेशन प्रोफेशनली एज अ फुटबॉल आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो एंड इसके साथ साथ खुद के टीन के बारे में भी कुछ बताइए यू मस्ट हे डन सम करेक्ट थिंग्स टू गेट अपरचुनिटीज दैट ओली अगर इस सवाल को थोड़ा ब्रेक डाउन करें श्योर स्किल पहले आपने बोला ना जी स्किल तो देखिए सर यदि आपको प्रेम नहीं है फुटबॉल से तो आप नहीं कर पाओगे चाहे मैं आपको दस घंटे बॉल के साथ बिठाए रखून दीवार के साथ लगे रहे यदि आपको प्रेम ही नहीं है खेल से आपका कभी इंप्रूव नहीं होगा तो जो स्किल की बात है उस एज uh, में वो खुद के अंदर से आती है एंड कोई इसके लिए स्पेशल ड्रिल नहीं है यदि आपको फुटबॉल से प्यार है वो खुद ही आपको बोलेगी कि क्या करना है और आपको क्या सीखना है सिर्फ पैर पे है वो और इट्स सो ब्यूटिफुल जब मैं भी छोटा था द बॉल स्पीक्स टू यू कि जब आप कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं स्पीक्स टू यू कि कौन सा पैर का पार्ट मारना है कैसे उसको टच करना है बॉल को तो वो जो स्किल का एस्पेक्ट है वो अगेन अगर यदि आपको खेल से प्यार है वो खुद ही आ जाएगा उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है चंडीगढ़ कोई प्लेयर नहीं था जिसको मैं देख सकूं और बोल सकी मुझे ऐसा बनना है उस बच्चे के लिए बस मैं यही बोलूँगा कि तेल हमेशा टॉप पे रहता अब चाहे किसी भी कस्बे में हो किसी भी गाँव में हो कहीं पर भी हो यदि आप में टैलेंट है यदि आप में लगन है मानो या ना मानो आप ऊपर आओगे हमेशा अगर टैलेंट है और लगन है और मेहनत है तो आप कहीं पे भी बैठे हैं आप सही जगह पहुंच जाएंगे जितना मर्जी बड़ा समुंदर और गहरा समुंदर हो थोड़ा सा तेल डालो पानी में हमेशा ऊपर ही तैरेगा वो तो ये मेहनत लगन और टैलेंट का वो है तो जो तरीका है वो मोर इन टू डिटेल आई थिंक जैसे मैम ने चंडीगढ़ से था चंडीगढ़ से हूँ तो उस एज में यही रहता है कि आपको चंडीगढ़ के लिए स्टेट लेवल खेलना है पर यदि आप पंजाब से तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है फिर देन पंजाब में रहता मैं चंडीगढ़ से तो यू टी था हमारा तो चंडीगढ़ लिए खेलें आप नेशनल जो होते हैं वो खेल के देन मेरा तो उस टाइम यही टारगेट था आई थिंक एवरी किड सबका यही टारगेट रहता है कि आपको देश ले खेलना है तो आप अंडर फोर्टीन में आए अंडर सिक्सटीन में आए देन थ्रू द रैंक्स यू ग्रो टूवर्ड्स द टर्निंग प्रोफेशनल एंड ऑल तो ये तो एक प्रॉपर वो हो गया तरीका दूसरा आता है सोच पे बात अभी आपको हम दोनों अभी सोलह साल के हैं आपको प्लेयर बनना है फॉर एग्जाम्पल आपको एफ सी गोवा के लिए खेलना है क्योंकि मैं भी एफ सी गोवा में हूँ मुझे भी एफ सी के अगले खेलना है हम दोनों को देश लिए भी खेलना है आप भी मेहनत कर रहे हो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप भी सुबह उठ के चार बादाम खा रहे हो मैं भी चार बादाम खा रहा हूँ आप भी तीन बजे उठ के दौड़ लगाने जा रहे हो मैं भी लगा रहा हूँ हम हर चीज़ सेम कर रहे हैं तो कैसे चुनाव होगा वो कुदरत करती है आपको और मुझे एक ही टाइप की दिक्कत मिलेगी एक टाइप की ही प्रॉब्लम आएगी आप कहीं और कोने में मैं किसी और कोने में दुनिया के दोनों को पर सेम चीज चाहिए वो तो चुनाव कैसे होता है लाइफ गॉड नेचर जिस मर्जी को माने आप एक फेलियर आएगा लाइफ में फिर कौन उससे कैसे उठता है उस हिसाब से चुनाव होता है उसका तो यदि आप बस बैठ के बोलें कि मैं अभी सतारह साल का हूँ यार मैं इस गाँव में हूँ ये मुझे नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा सब मिथ्या है सब बकवास है ये विक्टिम मेंटालिटी होती है ये विक्टिम मेंटालिटी कहीं से आप विक्टिम मेंटैलिटी मेरी एक मान्यता है कि हम लोग ना कैसे बोलूँ उसको फॉर एग्जाम्पल जहाँ मैं आज जाऊँ मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे पास है मेरे से ऊपर बहुत है मेरे से नीचे भी बहुत है तो वट एवर यू हैव इन लाइफ अच्छा हो या बुरा हो हमेशा याद रखें कि जब आप तरक्की पे हैं आपसे किसी ने और ज़्यादा तरक्की देखी है और जब आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है आपसे बहुत बुरा किसी के साथ हो रहा है तो ये जो विक्टिम कार्ड है और मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है आफ्टर स्पेशली आफ्टर माई नी इंजरी हैपन नॉर्मल थिंग वुड भी कि यार नी इंजरी है ए सी एल तेरह महीने बाहर पहले भी नी इंजरी हुई है एंकल फ्रैक्चर रखा है मैं ऑलरेडी ये समझ गया था पहले भी लाइफ में बट दोबारा से एक भगवान ने कहा कि आईना देख केरला में था मैं डॉक्टर को मिलने गया अपने वही नहीं कहा कि मैं कहा यार फिर पेन आ रहा है ये हो रहा है ठीक नहीं हो रहा ऑलरेडी चार पाँच महीने हो गए थे मेरी सर्जरी को और पता था अभी सात आठ महीने और लगने हैं कि वापस कैसे आऊँगा कि नहीं आऊँगा उस ऑब्जर्टिफिन इंस्पेक्ट वहाँ पे अंकल है मेरे पास कह रहे कि मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है मैं कफकोर्स सर नो प्रॉब्लम चलिए साथ वाला मतलब थोड़े रूम छोड़ के था और uh, मैं उस रूम में गया तो उनके बेटे ही हैड सम नर्व का डिजीज़ था उन्हें तो वो लड़का अपना खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने आप प्योरली कं कंट्रोल हिज बॉडी and I saw him and I looked at the man and I was like uh, I asked the name he told me his name he said he wanted to be a defender like you he really admires jab aap khelte the to kehta hai pehle khelta tha then he had this problem jo slowly slowly develop hui and then it completely took over him अगर मैं वहाँ बैठ के या यदि कोई बच्चा अगर अपना इंजरी को लेके रो रहा है कि यार ये क्यों मेरे को हुआ वो क्यों हुआ रिमेंबर बहुत हैं जिनको आपसे ऐसा नहीं मिला और आपसे बहुत कम मिला तो आप कंटेंट रहे हैं तो ये विक्टिम कार्ड ये वो सब वो एक आप एक इमेजिनेशन बनाते हैं अपना कंफर्ट जोन बनाते हैं उसमें रहने की ट्राई करते हैं जो जहाँ पे आज है चाहे वो आज संदेश जिंगन एफसी गोवा नेशनल टीम में है या एक बच्चा या एक नॉर्मल दूसरा लड़का अट्ठाईस उनतीस साल का किसी आईली या सेकेंड डिवीजन क्लब में है या कहीं पर भी है वो अपनी मेहनत अपनी सोच उसके हिसाब से ही है जहाँ भी आप हैं वहीं पे आप हैं वही आपकी जगह है क्योंकि कोई स्पोर्ट्स का उससे नहीं आया कोई फैमिली में स्पोर्ट्स में नहीं था कोई स्पोर्टिंग टाउन से भी नहीं हूँ जस्ट बिकॉज मैं फुटबॉल सीख रहा था ना बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ द गेम आई फेल इन लव वि गेम तो मैं फुटबॉल देखना स्टार्ट किया मेरे ब्रदर सौरभ ने मुझे जब टीवी पे हमने देखना स्टार्ट किया मैं क्या मैं यार? खेलना बस क्या यार खेलना मतलब आसपास पॉजिटिव होने चाहिए 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 डिसिप्लिन होना होना फुटबॉल से प्यार एंड ये मेरी इनपुट है बट थोड़ा सा पागलपन भी होना चाहिए पागलपन चाहिए मैंने सारे इंटरनेशनल देखा थोड़े से संखी होते हैं ये <laughs> <laughs> पागलपन इन वे शुड बी तभी मैंने कहा अगर आप पेड़ गिराना चाहते हैं जी आप सौ तरीके से मार रहे हैं उसको हुँ. अलग अलग एंगल से पेड़ नहीं गिरेगा हुँ. तो पागलपन है कि मैं इसको गिरा के रहूंगा बट यू नीड टू हैव अ प्लान ऑल्सो तो मेहनत एक दिशा के साथ ओके okay. दिशाहीन मेहनत भी फल मिले ना मिले वो इतना वो नहीं निकलता okay. तो दिशा होनी चाहिए आपकी मेहनत के लिए ओके ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना बाकी के वीडियोज भी देखिए बहुत तगड़े वीडियोज होते हैं टी आर एस क्लिप हिंदी पर आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए आपके लिए बनाएंगे दोस्त